वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यह जो फिगर है, इस फिगर के तीनों साइड पे 4, 8 और 6 लिखा हुआ है और इस फिगर के अंदर 116 है। उसी तरह ये दूसरा फिगर है और इसके तीनों साइड पर 5, 2 और 7 लिखा हुआ है और इस फिगर के अंदर कौन सा नंबर होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो अगर हम लोग इस फिगर में जो ये तीनों नंबर है और इसके अंदर जो लिखा हुआ है 116, इसके बीच क्या रिलेशन है, अगर ये पता कर लेंगे तो उसी रूल के हिसाब से हम लोग इस फिगर के अंदर कौन सा नंबर होगा ये फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, जब सबसे पहले हम लोग इस फिगर के अंदर का रिलेशन फाइंड करते हैं, तो 4 ठीक है प्लस 6 प्लस 8 ठीक है, 4, 6 होता है 10 और 8, 18 होता है। ये नहीं करना है, करना क्या है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इस तीनों को ऐड कीजिए तो 36 और 64 हो गया 100 और 116, तो इस फिगर के अंदर है 116। अब इसी रूल के हिसाब से हम लोग इस फिगर के अंदर कौन सा नंबर होगा ये पता कर लेंगे। तो ये देखिए क्या करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस 7, ये नहीं बल्कि इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 ठीक है, 25 और 4 29 और 49 78। तो हम लोगों ने आसानी से इस फिगर के अंदर जो नंबर होगा वो फाइंड कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें।